किसी शख्स ने क्या खूबसूरत कहा है, शेर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। खैर, हमारे पास नौजवानी तो नहीं रही, लेकिन आप ये वाला सुनिए कि मज़ा मंजिल का नहीं रास्तों का है, तो सफ़र का आनंद लीजिए इस खास व्लॉग में। निगिदास ब्लॉग, कैसे हैं आप सब? हो आप सब मस्त होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं किसी खास जगह काफल तोड़ने, और देहरादून में। आप सरप्राइज होंगे कि काफल भाई देहरादून में कहाँ मिल रहा, तो आज इसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको कि काफल कहाँ तोड़े जा सकते हैं अगर आप हैं देहरादून में। और मेरे साथ हैं मेरे जाने माने और सबसे पुराने ड्राइवर यशपाल, मेरा दोस्त, मेरा यार। और चल रहे हैं हम दोनों आज काफल तोड़ने। तो अगर देहरादून में हो, जल्दी से वीडियो अपलोड करूंगा, सो जब तक काफल बचे हैं तब तक आप लोग तोड़ने जा पाओ। हम हैं ये पुल पे जो कि सहस्त्रधारा से मालदेवता की तरफ निकलता है। बाकी वहां से कहाँ के लिए जाना है भाई, बताइए जरा। लालपुल, और लालपुल से सतियों के लिए। लालपुल कहाँ का? लालपुल मालदेवता का। लालपुल मालदेवता वाले लालपुल से क्रॉस होते हुए जाएंगे हम आगे। कहाँ? सत्यों। सत्यों सत्यों आनंद चौक गाँव है क्या वो? हाँ, बहुत बड़ा गाँव है, आनंद चौक से आगे मरोड पुल के रास्ते। यही मेरा गाइड है, यही मेरा ड्राइवर है। सो ड्राइवर चलो गाड़ी स्टार्ट। जी साहब। यहाँ से एक है रायपुर का रास्ता, और रायपुर के लिए नहीं, हमें घूमना है इस साइड के लिए जो कि है मालदेवता वाला। देखिए, हम आए यहाँ से रायपुर साइड से, और ये जाएगा मालदेवता फार्म्स के लिए, मालदेवता रिवर को, रिवर की साइड। लेकिन हम जाएंगे इस वाले रास्ते पे जो टेरी झील धनौल्टी का जहाँ पे बोर्ड लगा है, चंबा वाले पे। ठीक है, तो आपको लेना है यहाँ से ये वाला रास्ता लालपुल पे जो कि मालदेवता पे उनको कनेक्ट करता है। हम यहाँ से जाएंगे अब आगे के लिए। ये हम लालपुल को क्रॉस कर रहे हैं, पहले तो हमने बता दिया था धनौल्टी वाले रास्ते पर निकल रहे हैं, लेकिन ये जैसे ही लालपुल देखिए आपको आपको इसके आगे क्रॉस करना पड़ेगा, यानी हफ्ते का राइट साइड टीरी वाला ना, टीरी यानी कि टीरी वाला चंबा वाला रास्ता है भाई। जी हाँ, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको हेलमेट पहने रखना है, दूसरी चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। यहाँ पे पुलिस चौकी है, तो पुलिस चौकी के लिए नहीं, बस हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए जरूर पहने, क्योंकि आप निकल रहे हैं कच्चे रास्ते पर। अभी देखो देहरादून में कितना गर्म था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ आ गए, बांज के पेड़ आ गए, और बांज का जंगल तो वैसे भी बहुत ठंडा होता है। और काफल के पेड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं, अब हम यहीं कहीं से घुसेंगे जंगल के अंदर और स्टार्ट करेंगे काम। तो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे, नाम है यहाँ का धौलागिरी। ठीक है, और भाई बहुत मस्त है, पीछे का पूरा जंगल लग नहीं रहा कि हम देहरादून के इतने पास में, क्योंकि मेरा तो फीलिंग ही वही आ रही गढ़वाल वाली। और पूरा बांज का जंगल है, और बांज के जंगल में ठंडी सी हवा, मस्त। चढ़ चुके हैं यशपाल भाई काफल के लिए, मेरे ठीक सर के ऊपर। यार ये हैंडपम्प अच्छी जगह पे लगा रखा है ना, जंगल के बीच में बिल्कुल। हाँ, गांव में आगे। अच्छा, ये देखो भाई यशपाल भाई, यार काफल तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, काफल खाने का सबसे बढ़िया ये है कि आप क्या करेंगे, सरसों के तेल में और नमक मिला के खाएं, फिर होता है टेस्टी। हाँ, कच्चा सरसों का तेल ऊपर से गिर दो और नमक उसके ऊपर, फिर लाजवाब, खट्टा मीठा जैसे भी होगा बढ़िया रहेगा। तो एक घंटे की जर्नी के बाद देहरादून से हम पहुंच चुके हैं, और गाड़ी हो गई है साइड में पार्क, और हम अब जा रहे हैं आगे की तरफ, जंगल में घुस रहे हैं। ठीक है, तो आगे है जंगल का नज़ारा इस तरह। इस जंगल के अंदर घुस रहे हैं अब लोग हम लोग। और हमने गाड़ी जो है नीचे पार्क कर रखी है। यहाँ मिलेंगे हमें काफल के पेड़ इस जंगल के अंदर। तो दोस्तों देखो, फाइनली कितने प्यारे प्यारे से काफल लगे हुए हैं। दिखाओ ये देखो। ओए हाय,
कर लिया काफल, बहुत टेस्टी है, हल्का खट्टा मीठा लेकिन बहुत रसीला। तो भाई साहब चढ़ चुके हैं पेड़ पे और निकालते हैं अभी काफल, फिर दिखाते हैं आपको कितने कितने काफल हमने भर दिए यहाँ जंगल से। जंगल दिखाऊं, घना जंगल। आराम से जाना भाई। तो दोस्तों ये साउंड सुन रहे हैं आप बैकग्राउंड, तो जब भी भाई दोपहर हो जाती है तो ये टीटी करना स्टार्ट कर जाते हैं स्पेशली। अभी तक ये सारे शांत थे लेकिन एकदम से इन्हें बोलना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब है दिन हो चुकी है, दोपहर हो चुकी है। अरे ये निकाले जा रहे काफल, ये एक बंदर दूसरा मैं। पाल कक्चे, ओ भाई कक्चे, वो देखो ये है टॉप में जा रखा, बहुत खतरनाक इंसान है। पहले तो जंगलों में रहता था, अभी तो ये है हिसूल, या पता नहीं कुछ और भी बोलते हैं इसको अलग अलग जगह पे, हमारे यहाँ तो इसको बोलते हिसूल। तो ये भी खाने के लिए होता है और ये काफ़ी ठंडा होता है बॉडी के लिए, ये तो बिल्कुल आयुर्वेद में आते हैं सारी चीज़ें, खासकर ये पेट साफ करने के लिए या फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। और हाँ, गर्म नहीं खाने चाहिए जब धूप में तपे हों, इनको ठंडा करके खाया जाता है। बहुत कांटे ज़बरदस्त होते हैं इसके, अगर खाना है तो भाई बच के रहना पड़ता है कांटों से, क्योंकि अंदर इसकी झाड़ी में आप हाथ डाल सकते हैं लेकिन बाहर निकालने के लिए ये उल्टे कांटे होते हैं जो फंस जाते हैं। ये देखो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे हिसूल, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही उम्दा। तो बहुत फिसलन है यहाँ पे, पिरुल है पूरा लेकिन, और नीचे है बिल्कुल चट्टान नीचे रोड तक देखो, लेकिन यहाँ पे मिल रहे हैं आपको सुंदर से काफल। तो जिसको भी लगता है कि काफल इतना आसान है निकालना, इतना भी आसान है, एक एक दाने को तोड़ तोड़ के बड़े प्यार से निकालना पड़ता है सो दैट पेड़ को भी नुकसान ना हो। ये बहुत ईजिली रीचेबल हो गया हमारे लिए, है ना इस पर। ये देखो पिरुल से खतरनाक होकर रास्ता और पैर फिसलना मना है। ये रही हमारी गाड़ी यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, लगभग चार घंटे हमने बिताए जंगल में और काफल तोड़ने में, जिसमें से चार घंटों में तीन घंटे कम से कम हम कहाँ थे, पेड़ पे थे, एक घंटा सर्च करने में। और इन तीन घंटों की मेहनत में हमने क्या पाया बताओ। इसमें काफल है पूरी पन्नी में, ओए ऐसे नहीं पकड़, इस डब्बे में काफल है, इस डब्बे में भी काफल है और इसमें भी। कितने डब्बे हो गए, ठीक है। ये देखो भाई माल पैक हो रहा है इसका, ये देखो छुपा रहा है सारा, ये पॉलीथीन और इसमें एक बड़ा डिब्बा है, ये 5 लीटर का लेकिन आधा ही भरा, तो बस आराम से। 5:30 हो चुका है और देहरादून है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर, तो इतने दूर हम आए काफल के लिए। और भाई जंगलों को बचाना है अगर काफल खाना है, यानी कि खास कर कब, जब हाँ, बना के नहीं बचाए जंगल की लगी आग से, क्योंकि इस बार काफ़ी लोगों ने जंगल में आग लगा दी थी जिस कारण हो नहीं पाया पूरा ठीक से काफल का प्रोग्राम किसी का। देखो भाई ये यहाँ पे एक इंडिकेशन है, रायपुर यहाँ से 50 किलोमीटर, यानी कि हम रायपुर से भी 50 किलोमीटर आगे हैं। और क्या है, कद्दूखाल सुरकंडा देवी यहाँ से 22 किलोमीटर, बनाली है 11 किलोमीटर, और इस सुंदर सी जगह का नाम क्या है, मरोड़। ये देखो कितने यहाँ पे भाई काफ़ी कैंप वैम्प भी हैं, अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी कर रखा है। ये पहुँचे मरोड़ मार्केट, गाँव में अक्सर आपको देखने को मिलेगा भाई, जहाँ जगह मिलती है वहाँ होता है क्रिकेट, तो ये है क्रिकेट की खुमारी इंडिया। ये हुई बढ़िया सी आउटिंग मेरे भाई यशपाल की वजह से, और हमसे थोड़ा हल्का करना स्पीड, इनको पूछते हैं काफल का जिंदगी क्या है, ये कच्ची काफल, काफल बोले काफल, काफल बेच रहा तुम, पनी पकी था ना, पनी एक पनी है 100 के। देखिए फाइनली हमें कन्विंस करना है कि भाई तुम्हारे पास जितना भी है बस हमसे ले लो। यशपाल बांटा छुपा चुप्स, 2 के लिए दिया तूने बस,
काटना होता यार तू भाई। ओए बैठ जा, काटता है। आ जल्दी चल चल, बाकी के लिए नहीं है, छुपा छुपा साइड के खेल ले वो एक। हां शेयर करो ठीक है, बैठ देता तुम छुपा छुप बैठ ले ठीक है। यशपाल ने वादा कर लिया कि नेक्स्ट टाइम ये खरीदने वाला इनसे काफल पक्का, अगली बार आएगा लेकिन जंगल से नहीं तोड़ेगा, जंगल से तोड़ूंगा इनसे भी लेने आएगा, पता नहीं झूठे प्रॉमिस तो लगेगा नहीं काफल, अगली बार मोयार आने। बाय बाय। अरे है हमारे पास ये भी काफल, काफल तो मैं चाहिए था, हमसे ले लो हां बेटा हमसे ले लो एक और न बाबू हम ले लें। अरे छह जो भाई तीन डब्बा भर है हमारा 50 का। ये देखिए ये लोग सारे ना काफल बेचने के लिए यहाँ पे हैं। हाँ चेहरा दिखाना, ये थैली उनका कम दिखाना मतलब। ए बाबा कति काफल आया त्या, वो शर्मा रही है बेचारी। चल यार तू त्या दिल में रख लो ना, कोई बात नहीं। फाइनली भाई मेरा इमोशनल हो गया और फाइनली इसने कहा कि चल मैं ले ही लेता हूँ, इतने काफल होने के बाद भी। लक्ष्मी कहाँ गई? लक्ष्मी के हाथ में, लक्ष्मी के हाथ में लक्ष्मी ठीक है बेटा। हमारे पास ना पहले से ही बहुत काफल है, वो देखो दो डब्बे वहाँ भर रखे हैं वहाँ पे। मज़ेदार बात है, हमने ना तुम्हारे जंगल से ही चुराए ऊपर से ठीक है। तुम्हारे जंगल है वो, ये दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है। बताओ कैसा लगा तुम्हें? इस सर नेम नेगी है इनका, किरावत राड़ा राड़ा भी राड़ा। अबे एक नेगी राड़ा मां, अरे कोइंसिडेंस देखो, मैं नेगी हूँ वहाँ पे, सारे जो काफल बेचते थे वहाँ पे सारे नेगी थे, ये राणा है और यहाँ पे सारे जो काफल दे रहे वो राणा है। अच्छा दो, अच्छा बराबर हो गया, दो राणा दो नेगी बराबर भाई साहब। हाँ चलो बैठे नहीं वो पड़ेगा। बाय बाय, तुमसे काफल ले लो, 50 रुपया काफल ले ले, 50 रुपये में आगे 100 रुपया बेच तू, 150 में। एक बकरी, दो बकरी, तीन बकरी, चार बकरी, बकरियाँ 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 बकरियाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और छोड़े जाते हैं आपको इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो करते हैं इस ब्लॉग का एंड इस खूबसूरत से सनसेट के साथ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।